दैंतोली पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले विदर्भ सर्जिकल शॉप का शटर तोड़कर हैदराबाद के चार शातिर चोरों ने 2 लाख रुपए पर हाथ साफ किया था। इस मामले में धंतोली पुलिस ने आखिरकार शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। एक ओर शहरभर में चोर चोरी कर पुलिस को आग दिखा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस भी चोर के आंखों में सुरमा लगा रहे हैं। जी हां, हम बात करने जा रहे हैं आज से 2 महीने पहले हुई विदर्भ सर्जिकल शॉप में हुई चोरी के बारे में। धंतोली पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले विदर्भ सर्जिकल दुकान का शटर तोड़कर हैदराबाद के चार शातिरी चोरों ने दुकान के गल्ले से 2 लाख रुपए नकद लूट कर भाग खड़े हुए थे, जिसकी शिकायत धंतोली थाने में फिरियादी मनोज टावरी द्वारा की गई थी। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे और सड़क पर लगे सीसीटीवी के जरिए पुलिस ने आरोपी को अलग अलग जगहों जाकर धर दबोचा। आरोपी इस काम के लिए इंडिका इस वाहन का इस्तेमाल करते थे। हैदराबाद से जो 3 शातिर चोर घटना को अंजाम देते थे, वो यही इंडिका टाटा में आते थे, जहां पे AP7Q5981 कि ये वही वाहन है जिस वाहन से ये लोग आया करते थे और चोरी की घटनाओं को अंजाम देके निकल जाते थे। स्क्रीन पर दिख रहे ये शातिर आरोपी सैयद आजम, बसुराज मलिहार, शेख अंसार, फरान अहमद, अब्दुल गफ्फार आदि शातिर चोरों को पुलिस ने वर्धा जेल से गिरफ्तार किया है। अब तक ये आरोपियों ने नागपुर जिले के वर्धा, चंद्रपुर, अमरावती, हिंगनघाट आदि शहरों में जमकर चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया है। धंतोली पुलिस ने कलम 857-384 के तहत कार्रवाई की है। इन शातिर चोरों को API नरोड़े, ASI तिवारी और नायक NPC राजेंद्र, इन्होंने कड़ी मेहनत लेते हुए आखिरकार इन शातिर चोरों के आंखों में कानून का सुरमा लगा दिया है। आज नागपुर शहर में चोरी की घटना में काफी इजाफा हुआ है, ऐसे में पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से तैयार है और चोरों को धर दबोचने के लिए पुलिस पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रही है। जी हां, मैं बात करने जा रहा हूं धंतोली पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले टावरी के उस दुकान की घटना, जहां पे हैदराबाद के 3 अज्ञात शातिर चोरों ने ताला तोड़कर 2 लाख बरामद किए और चोरी के माल पे हाथ साफ कर निकल गए। लेकिन धंतोली पुलिस के जाबाज पुलिस ने आखिरकार उन शातिर चोरों को सलाखों के पीछे में धकेल दिया है। इस समय में PI पाटिल साहब हमारे साथ में आइए, उनसे जानना चाहेंगे। पाटिल साहब, ये बताइए कि जिस प्रकार से ये घटना हुई है, क्या कहना चाहोगे? ये घटना सितंबर महीने की है और टेक्निकल एविडेंस के इससे तपास करके हमारे जो DB की टीम है उन्होंने उसमें से एक आरोपी अमरावती से अटक किया। उसके बाद उससे नाम मालूम हुए, गैंग का नाम मालूम हुआ, सब MOB मालूम हुई, वहाँ से हैदराबाद का कनेक्शन मालूम हुआ। जो गुने में गाड़ी यूज़ की गई थी, इंडिका कंपनी की गाड़ी थी, वो भी बरामद हो गई। और उसके बाद जो 3 आरोपी फरार थे ये गुने में, वो चंद्रपुर के सॉरी वर्धा के गुने में अरेस्ट हुए थे। उसके बाद मालूमात मिली तो वहाँ से वर्धा सेंट्रल जेल से वो ट्रांसफ़र करके अभी धंतोली पुलिस स्टेशन में लाए गए और आगे पूछताछ चालू है। तो आप थे PI पाटिल साहब जिन्होंने ये जानकारी देते हुए कहा है कि 3 जो शातिर चोर थे उन्हें हैदराबाद से आखिरकार ढूंढ निकाला है और इस समय में वे पुलिस कस्टडी में है, और जिसके चलते शहर में जो चोरी की घटना है वो इस प्रकार से कम हो सकती है, उसके लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से जागरूक है, ऐसा कहा तो बड़ी बात नहीं हो सकती। नागपुर की धंतोली पुलिस थाने से कैमरा पर्सन सुभाष के साथ संजय मिरे, INBCN न्यूज़ नागपुर।